हेलो एनएमए फैंस, गोजो सातोरो का रिटर्न कौन बंदा नहीं चाहता। हर कोई चाहता है गोजो सातोरो वापस आए, लेकिन तुम लोगों को क्या पता है कि गोजो सातोरो अब सच में वापस आने वाला है। बहुत सारी लॉजिक्स, बहुत सारी थ्योरीज इस तरह आ रही हैं यार कि गोजो सातोरो फाइनली रिटर्न होने वाला है। इस वीडियो को आगे देखने से पहले मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ स्पॉइलर अलर्ट। जिन लोगों ने मांगा नहीं पड़ी या जो लोग आगे का स्पॉइलर नहीं लेना चाहते, बाद में ना कहना भाई आगे स्पॉइलर ही स्पॉइलर भरे हैं। सारा कुछ मांगा से उठाया जा रहा है और स्पॉइलर भरा पड़ा, तो आगे वीडियो ना देखो, अभी हटा दो अगर तुम्हें स्पॉइलर से मसला है। तो भाई इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं ऐसे तीन राज जिनकी मदद से, ऐसी तीन थ्योरियां जिनकी मदद से गोजो सातोरो फाइनली बैक हो सकता है, गोजो सातोरो का रिटर्न हो सकता है, जुजुत्सु काइसन की पूरी मांगा पलट सकती है और गोजो सातोरो वापस आ सकता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, एक दफ़ा एक इंटरव्यू के अंदर गेगे ने खुद कहा था कि अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे अपना कोई भी करेक्टर मारना पड़ा तो वो मार देगा। दैट बेसिकली मीन्स कि अगर अपनी स्टोरी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे किसी का भी कमबैक कराना पड़ा, किसी का भी रिटर्न कराना पड़ा, तो वो करा देगा। तो अब इस बात को अपने माइंड में रखते हुए और लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 248 को अपने माइंड में रखते हुए हम आपको बताने वाले हैं ऐसे तीन फैक्ट जिसकी वजह से गोजो सातोरो रिटर्न होने वाला है। एक चांस है, एक होप है कि रिटर्न होने वाला है। तो भाई इसी के साथ हमारा पहला चांस, देखो जिस लोगों ने मांगा का पिछला चैप्टर पढ़ा है चैप्टर 248, उन लोगों का पता होगा कि जब हागिरोमा मरा तो उसकी बॉडी को उठाने के लिए उई उई अपनी टेलीपोर्टेशन कर्स टेक्निक की मदद से वहां आया और उसकी बॉडी को उठा के ले गया, जिसके नतीजे में सुकुना ने कहा ओ अच्छा तो ये वो बंदा है जो यहां से बॉडीज को उठा उठा के ले जा रहा है, जख्मी लोगों को उठा उठा के ले जा रहा है, और यही बंदा गोजो की बॉडी को भी उठा के ले गया है। आपको पता है वो ये कहां लेके जा रहा है, भाई वो शोगो के पास लेके जा रहा है, और शोगो वो बंदी है जो रिवर्स कर्स टेक्निक दूसरे बंदे पर अप्लाई कर सकती है। और तुम लोगों ने अगर सीजन 2 एनएमए का देखा हुआ है तो तुम लोगों को पता होगा कि जब तक गोजो सातोरो का सर ना फाड़ा जाए गोजो सातोरो नहीं मरता। तो हो सकता है कि हमारी शोगो गोजो सातोरो को रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से हील कर दे, और यही हमारी यहाँ पहली लॉजिक है कि गोजो सातोरो रिवर्स कर्स टेक्निक की मदद से हील हो जाएगा और एंड में बिल्कुल एंड टाइम पे वापस आ जाएगा। भाई हमारी रीका वर्सेज सुकुना भी चल रहा है, यानी किंग ऑफ कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ कर्सेस भी चल रही है, जिसके अंदर भाई तुम लोग मानो या ना मानो सुकुना जीतने वाला है। रीका ये फाइट लूज कर नहीं करने वाली है, ये बात सबको पता है। आई थिंक तुम लोगों को भी पता होनी चाहिए कि रीका ये फाइट हारेगी, इसके अलावा वो कोई चांस है ही नहीं, सुकुना डेफिनेटली जीतेगा। तो भाई जब सुकुना जीत रहा होगा, यूटा मर रहा होगा और हमारा मेन कैरेक्टर यूजी इतादोरी की फटरी होगी, तो उस वक्त हमारा गोजो सातोरो अपना रिटर्न कर सकता है, बहुत खतरनाक तरीके से रिटर्न कर सकता है। हो लोग कह रहे हैं यार इस दफा गोजो बिल्कुल ही पागल होके आएगा, होलो पर्पल नहीं बल्कि होलो व्हाइट ब्लैक या ग्रीन में से कोई मारने वाला है, और अगर इस तरह का हो गया यार स्टोरी बहुत बूस्ट कर जाएगी, लोगों को बहुत पसंद आ जाएगा गोजो का रिटर्न। वैसे भी यार पिछले चैप्टर में गोजो को इतने अरसे बाद दिखाने की मेंशन करने की कोई ना कोई तो किसी के पास यार लॉजिक है ना, जब भी तो वो दिखा रहा है, वरना उसे दिखाने की क्या जरूरत है। तो यही है हमारा पहला पॉइंट। इसी के साथ मैं आपको लोगों को बताता हूं हमारा दूसरा पॉइंट, यानी दूसरी लॉजिक, दूसरी थ्योरी, ऐसी कौन सी थ्योरी है जिसकी वजह से गोजो वापस आ सकता है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए तुम लोगों को जाना पड़ेगा जुजुत्सु काइसन की मूवी जीरो में, यानी बिल्कुल शुरू में जो सबसे पहले आई थी मूवी जीरो। तो जिन लोगों ने मूवी जीरो देख के रखी है उन लोगों को पता होगा कि उसमें यूटा रीका वर्सेस हमारा गैटो हुआ था, और एंड में गैटो को हॉलो पर्पल मार दिया था यूटा ने, जिसके नतीजे में उसका आधा हाथ यार बिल्कुल ही कट गया था, आधा सीना आधा हाथ बिल्कुल कट गया था। वो फिर गली से जा रहा था, यहाँ आगे हमारा गोजो सातोरो खड़ा हुआ था, और गोजो सातोरो ने उस वक्त उससे पूछा था यार तू कैसी मौत जाता है, तो गैटो ने कहा था यार किसी कर्स टूल से मेरा खात्मा कर दिया था कि मैं कोई कर्स सेपरेट ना बन जाऊँ और तुम लोगों के लिए और मुश्किल ना बन जाए, तो मुझे किसी कर्स टूल के साथ मार दे। लेकिन उस जगह पर हमारी स्क्रीन को ब्लैक कर दिया गया, बिल्कुल ब्लैक कर दिया गया, हमें नहीं दिखाया गया कि उस पॉइंट पर क्या हुआ, हमारे गोजो ने क्या किया। तो हो सकता है, और उसी पॉइंट पर यार हमें यह भी पता चला कि केनजाकू भी यार उसी में जब हमारा गैटो कमज़ोर था जब ही उसके अंदर आया था, तो गोजो ने ऐसा क्या किया यार। अब ये तो होगा नहीं कि गोजो अपना मुंह पे हाथ रखे और रोता हुआ वहाँ से भाग जाए यार मैं तुझे नहीं मार रहा मैं भाग रहा हूँ, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, डेफिनेटली गोजो ने कुछ किया होगा। तो उस पॉइंट को भी अगर हम नोट करें तो वहाँ से भी हो सकता है कोई ऐसी लॉजिक हमारे पास गेगे निकाल लाए यार कि गोजो सातोरो वहाँ से रिटर्न हो सकता है इस पॉइंट को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को दिखाया नहीं कि क्या हुआ था। वो हो सकता है कि इसी पॉइंट की वजह से हमारा गैटो भी रिटर्न हो जाए, क्योंकि हमें यह भी नहीं पता कि उस पॉइंट पे गैटो के साथ क्या हुआ था, गैटो सातोरो गोजो दोनों के साथ ही क्या हुआ था हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। और डेफिनेटली अब गेगे इस पॉइंट को ऐसे ही तो छोड़ेगा नहीं, डेफिनेटली आगे जाके कवर करने वाला। इसी के साथ हमारी तीसरी और आखिरी लॉजिक, आखिरी थ्योरी, भाई ये वाली थ्योरी बहुत ज़्यादा
बेस करती है यार मांगा के ऊपर। जिन लोगों ने मांगा पढ़ के रखे उन्हें लोगों को पता है कि जब से गोजो मारा है सकुना यही चीख रहा है यार मेरी 20वीं उंगली अब गोजो सातुरो के पास है, मेरी 20वीं उंगली गोजो सातुरो के पास है। इन लोगों को पता है, लोगों ने मांगा पढ़ के रखे उन्हें पता होगा यार सकुना के पास उसकी 20 उंगलियां तो नहीं आई, उसको उसके पास यानी 19 उंगलियां हैं और 20वीं उंगली उसकी गायब है, किसी को नहीं मिल रही। बाद लोग ये कह रहे हैं कि यार 20वीं उंगली यूजीता दोरी है, लेकिन यार ये भी तो हो सकता है कि यूजीता दोरी वो 20वीं उंगली ना हो, ये भी तो हो सकता है कि सच में वो 20वीं उंगली हमारे गोजो सातुरो के पास ही हो, वो उसी उंगली को यूज़ करके गोजो को हील किया जा सकता है। यार देखो सकुना की उंगली अनडिस्ट्रक्टेबल है, तो हो सकता है कि उस सकुना की उंगली को यूज़ करके गोजो को भी अनडिस्ट्रक्टेबल बना दिया जाए, तो हो सकता है कि उस उंगली को यूज़ करके जो अगर सच में वो सातुरो गोजो के पास है तो हो सकता है सकुना की उंगली को यूज़ करके सातुरो गोजो को हील किया जाए। और यार डेफिनेटली अगर सकुना की उंगली को यूज़ करके गोजो को हील किया गया तो गोजो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, उसकी ताकत का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। पहले अगर तुम लोगों को पता है तो पूरे जुजुत्सु काइसन यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर हमारा गोजो सातुरो ही है। इनफैक्ट हमारा सकुना डर रहा था यार कि मैं गोजो से लड़ा तो हार जाऊंगा बगैर मेगुमी फुशीगुरु के, दैट्स व्हाई उसने मेगुमी फुशीगुरु की बॉडी पे कब्जा किया और अपना वेसल उसमें ट्रांसप्लांट किया सिर्फ इसलिए ताकि उसको 10 शैडो टेक्निक महुरागा मिल सके, ताकि वो गोजो को बीट कर सके। क्योंकि अगर वो गोजो से यूं ही अपनी 20 उंगलियों के साथ भी लड़ता तो भी हार जाता, क्योंकि गोजो को कोई भी पूरे यूनिवर्स में जुजुत्सु काइसन की बीट कर ही नहीं सकता। और भाई साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जुजुत्सु काइसन के जिस चैप्टर्स के अंदर गोजो सातुरो मरा था उसमें इतना मतलब किसी को अंदाज़ा नहीं था, एक पेज पलटा और अगले पेज में ही गोजो का आधा कटा हुआ था। एक बार मैंने ये भी सुना यार गेगे ने कहा मैं बीच का पूरा चैप्टर लिखना ही भूल गया, तो भाई गेगे ने कुछ ना कुछ तो कर रखा है गोजो के साथ, कुछ ना कुछ तो उसने कर रखा है। और भाई इतने अरसे बाद चैप्टर 248 के अंदर गोजो को दिखाने का कोई ना कोई तो वो लॉजिक बनाने वाला है, तो इस चीज़ के लिए तैयार हो यार गोजो का रिटर्न होने वाला है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यार, 50-50 चांसेस तो हो गए यार कि गोजो का रिटर्न होने वाला है। तो बाकी अगर तुम लोगों के पास कोई थ्योरी है कि गोजो का रिटर्न नहीं हो सकता, या तुम लोगों के पास कोई ऐसी थ्योरी है कि जिसके गोजो का रिटर्न और कोई ऐसी थ्योरी उससे हो सकता है, तो यार वो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चल सके कि ऐसी कौन सी और थ्योरी है जिसकी वजह से गोजो सातुरो का रिटर्न हो सकता है। साथ ही वीडियो पे नए हो, डेफिनेटली नए ही हो यार, पहली दफ़ा देख रहे होगे, बार बार तो देखोगे नहीं, तो लाइक कर देना, और साथ ही चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, पहले से सब्सक्राइब किया हो तो थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करो, खासतौर पे उन लोगों के साथ शेयर करो जो लोग ये कह रहे हैं गोजो का रिटर्न नहीं हो सकता, गोजो का रिटर्न नहीं हो सकता, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ये चांसेस होंगे कि गोजो का रिटर्न हो सकता है, वो भी एक बहुत बड़े पावर अप के साथ। साथ ही साथ वीडियो को एंड कर रहा हूँ, इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।